नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इस बुलेटिन के माध्यम से आइए नजर डालते हैं दिनभर की खबरों पर। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। जिला अस्पताल में अब मरीजों को नए भवन में भी डॉक्टर की उपलब्धता रहेगी। 24 घंटे यहां पर कम से कम एक डॉक्टर की उपलब्धता मरीजों को मिलेगी। हालांकि दूसरी ओर शाम के समय की ओपीडी को लेकर हालात जस के तस हैं। यहां पर शाम को जब देखा गया तो चैम्बर्स पूरी तरीके से खाली मिले, जबकि एक दिन पहले कलेक्टर मोहित पुंदस ने यहां पर आकर निरीक्षण भी किया था और शाम के समय ओपीडी चालू करने की बात कही थी। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। सेवा सहकारी समिति रामटोरिया के प्रबंधक के ऊपर एक बार फिर से फर्जीवाड़े के आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि फर्जी अंगूठा लगाकर रुपए निकाल लिए गए हैं। सेवा सहकारी समिति रामटोरिया के समिति प्रबंधक ने कई किसानों के नाम से फर्जी अंगूठा लगाकर लाखों रुपए बतौर लोन राशि निकाल ली थी। पूर्व में मामला सामने आया तो समिति प्रबंधक ने न केवल शिकायतकर्ता को रकम देकर उसका मुंह बंद कराया बल्कि जांच अधिकारियों की भी मुट्ठी गर्म कर दी थी। पूर्व सरपंच गजाधर लोधी और बैंक कैशियर पर भी बैंक खातों में फर्जी अंगूठा लगाकर राशि निकालने के आरोप लगे हैं। रामटोरिया सहकारी समिति अंतर्गत आने वाले ग्राम गुजौरा की रहने वाली गोराबाई लोधी ने बताया कि समिति प्रबंधक यादवेंद्र सिंह घोष, पूर्व सरपंच गजाधर लोधी और कैशियर जगन्नाथ लोधी ने आपसी साठगांठ करके उनके खाते से 2,15,000 रुपए निकाल लिए। जून 2017 में पैसे निकालने के बारे में जैसे ही जानकारी प्राप्त हुई वैसे ही उन्होंने अपने पैसे मांगे तो समिति प्रबंधक ने पहले पैसे देने की बात कही, लेकिन अब काफी वक्त गुजर गया है और पैसे भी नहीं मिले। गोराबाई का आरोप है कि समिति प्रबंधक यादवेंद्र सिंह की साजिश के तहत ये राशि निकाली गई है। महिला ने थाना प्रभारी बमनौरा से लेकर SP कलेक्टर और सहायक रजिस्ट्रार सागर को शिकायत देकर पैसे दिलाने की मांग की है। मेरे पति के खाते में से 3.5 लाख रुपया चोरी से निकल गए। किसकी द्वारा निकली, किसने खाता? एक बैंक से सार्टी पे बंधक और मेरे गांव का गजाधर लोधी गुंजोरा और कैशियर जगन्नाथ बाबू घुआरा, इन तीनों ने मिलकर मेरे पति के खाते में से 3.5 लाख रुपए पैसे निकाल लाए। मेरे पति अनपढ़ हैं, सीधे साधे हैं, इसलिए उन लोगों ने इनका फ़ायदा उठाया है। चार महीना से परेशान हूँ। मैंने बमनौरा थाने में, रामटोरिया चौकी में और FC साहब को छतरपुर और कलेक्टर साहब को छतरपुर दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कमिश्नर साहब को भी दी सागर, कुछ नहीं हुआ है, ना कोई कार्रवाई हुई। अपराधी खुले घूम रहे हैं और हम लोगों को रोज धमकी देते हैं। नमस्कार दर्शकों, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। ये नाते खास खबर पर यह खबर है बमीटा थाना क्षेत्र के ग्राम टपरियन की। यहाँ पर चाचा भतीजे के बीच एक मामूली सा विवाद जमीन को लेकर हुआ और यह विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि यहाँ पर लाठी डंडे भी चल गए, जिसमें एक युवक घायल हुआ है और घायल अवस्था में उसको ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कर दिया है। टपरियन निवासी बालक दास पटेल, जो कि घायल अवस्था में छतरपुर के ट्रॉमा वार्ड में जिला अस्पताल में भर्ती है, इसके बतानुसार जमीन पर मेड लगाने को लेकर यह विवाद हुआ था, जिसमें नत्थू वृंदावन देवेंद्र पटेल, जो कि चचेरे भाई भी हैं और चाचा के लड़के हैं, इन लोगों के द्वारा इसके साथ मारपीट की गई और घायल अवस्था में उसको वहीं पर छोड़ दिया गया। हालांकि ये आरोपी आज भी फरार हैं। इस पूरे मामले की रिपोर्ट बमीटा थाने में कर दी गई है। जमीन हम गल्ले की बारी लगा रहे थे, मेरी गल्ले की बारी महक दी, मैंने कही क्यों महक दी भाई, तो बोले के साले तुम्हें ऐसा वैसे गाली गलौज देने लगे, तो बस लठ मारने लगे। कौन? नत्थू पटेल, वृंदावन पटेल, देवेंद्र पटेल, भाई के लड़का हैं, भतीजी हैं मेरी। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। छतरपुर के शासकीय एक्सीलेंस स्कूल क्रमांक 1 के सामने स्थित जूनियर गर्ल्स हॉस्टल में आग लगने का मामला सामने आया है।
आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा शासकीय स्तर पर संचालित इस हॉस्टल में रविवार की सुबह करीब 8 बजे अचानक आग लग गई। प्रथम दृष्टया माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी। हॉस्टल के बाहर स्थित 2 कमरों में आगजनी की इस घटना के बाद लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है। जब ये आग लगी उस वक्त हॉस्टल पूरी तरह से खाली था। हॉस्टल में रहने वाली छात्राएं परीक्षाएं खत्म होने के बाद अपने घर जा चुकी थीं, इसलिए इस आगजनी में कोई जनहानि नहीं हुई है। हॉस्टल में आग लगने की सूचना चौकीदार के द्वारा वार्डन सुशीला पाठक को दी गई, जिसके बाद वे मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। तब तक आग लाखों रुपए का नुकसान कर चुकी थी। डाकखाने पे है जूनियर कन्या छात्रावास सुभान की। कैसी लगी आग यहाँ पे? पता नहीं, हमें जैसी सूचना मिली वैसे हम दौड़ के चले। हमने टाइम में कुछ भी नहीं देखा, एकदम सीधे भागते चले आए सब लोग। कुछ नहीं कह सकते हम अभी, शॉर्टी सर्किट होगी क्योंकि कर्मचारी तो सब अपना अपना काम कर रहे थे और एकदम से उसे सूचना दी हमें तो क्या क्या सामान जल के खाक हुआ है हमें कुछ पता नहीं। अभी अंदर हमने देखा ही नहीं। पलंग है, गद्दे हैं, सब सामान था वहाँ, तो काफ़ी सामान था। हम नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। पूरे मध्य प्रदेश में अवैध उत्खनन के लिए कुख्यात हो चुके छतरपुर जिले में पिछले 2 महीने से कलेक्टर मोहित बुंदस की सख्त कार्रवाइयों के बाद रेत माफिया हांफ रहे हैं। ये चुनाव का असर हो या फिर कलेक्टर मोहित बुंदस की स्टाइल हो, लेकिन कुछ भी कहिए, पिछले 2 महीने से छतरपुर के अवैध रेत घाटों से दौड़ने वाले ट्रक और ट्रैक्टरों का शोर खत्म हो गया है। आचार संहिता के चलते कलेक्टर मोहित बुंदस ने एक नए पैटर्न के साथ अवैध रेत के उत्खनन पर कार्रवाई के लिए शिकंजा कसा। उन्होंने एक क्षेत्र के SDM को दूसरे क्षेत्र में भेजकर ऐसे अवैध उत्खनन पर शिकंजा कसा, जिसके सार्थक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। कई सालों बाद जिले के चंदला क्षेत्र में स्थित रेत के अवैध घाटों पर सन्नाटा देखा जा रहा है। रेत माफियाओं को इन घाटों से खदेड़ने के लिए कलेक्टर मोहित बुंदस ने एक नया तरीका अपनाया था, जो कि सफल होता जा रहा है। जब स्थानीय पुलिस प्रशासन इन रेत माफियाओं पर शिकंजा कसने में नाकामयाब रहा, तो कलेक्टर ने दूसरे पैटर्न पर रेत के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसा। उन्होंने एक SDM को दूसरे क्षेत्र में भेजा और फिर अवैध रेत घाटों पर कार्रवाई की। इस कार्रवाई का असर है कि 2 महीने में प्रशासन ने लगभग 36 LNT मशीनें पकड़ी हैं, 4 JCB मशीनें पकड़ी हैं, 18 ट्रक पकड़े हैं और 25 ट्रैक्टर पकड़े हैं। खास बात यह है कि LNT मशीनों को पकड़े जाने के बाद इन पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए के जुर्माने हुए और कलेक्टर ने इन मशीनों को फिलहाल छोड़ा भी नहीं है। रेत माफियाओं को LNT मशीनें मिलना मुश्किल हो रही हैं और रेत के अवैध घाटों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 6 मई को वोटिंग होने और 23 मई को आचार संहिता खत्म होने के बाद भी क्या अवैध रेत उत्खनन पर की जा रही यह कार्रवाई जारी रहती है या नहीं। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। जब आप जिला अस्पताल जाते हैं तो तमाम कर्मचारी आपके इलाज में आपकी मदद करते हैं। डॉक्टर ने आपको देखा और उसके बाद जो कर्मचारी आपकी मदद करते हैं उनमें से कई कर्मचारी रेड क्रॉस संस्था के होते हैं। इनमें वार्ड सर्वेंट, चौकीदार, वार्ड आया, ANM यानी कि नर्सें और भी कई दूसरे कर्मचारी होते हैं जो इलाज में आपकी मदद करने से लेकर अस्पताल में गंदगी तक साफ करते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि रेड क्रॉस के इन कर्मचारियों का मानदेय मजदूरों से भी कम है। जिला अस्पताल में रेड क्रॉस के अंतर्गत लगभग 35 कर्मचारी काम कर रहे हैं और इनके मानदेय कम होने के कारण इनके आर्थिक हालात बेहद बदतर हैं। रेड क्रॉस अपने कर्मचारियों को 30 रुपए प्रतिदिन से लेकर 125 रुपए प्रतिदिन तक का मानदेय दे रहा है, जबकि एक मजदूर को भी 300 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी मिलती है। जानकारी के मुताबिक जिला अस्पताल में 35 रेड क्रॉस कर्मचारी हैं। इनमें एक फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर, 2 NM, 2 ANM, 12 वार्ड सर्वेंट, 7 वार्ड आया, 2 चौकीदार, 1 भृत्य, 11 स्वीपर सहित कुल 35 कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में काम करने वाली रेड क्रॉस संस्था के अध्यक्ष कलेक्टर होते हैं। ये एक सामाजिक संस्था है जो अपनी संपत्तियों से मिलने वाले किराए और दान के आधार पर अपनी सामाजिक सेवाएं निभाती है।
इस संस्था के द्वारा जिला अस्पताल में दिए गए 35 कर्मचारियों को प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है, लेकिन ये मानदेय बेहद कम है। उदाहरण के लिए देख लें तो स्वीपर को 1876 रुपए, भृत, वार्ड सर्वेंट और वार्ड बॉय को 2481 रुपए, ANM को 3751 रुपए, डॉक्टर को 8591 रुपए का मानदेय दिया जाता है। रेड क्रॉस को प्रतिमाह आमदनी लगभग 1.25 लाख रुपए है, जबकि वो अपने मानदेय पर 90,000 रुपए खर्च करती है। मानदेय कम मिलने के कारण यही कर्मचारी मरीजों के आगे बख्शीश के लिए हाथ फैलाने को मजबूर हो जाते हैं, जिसे जिला अस्पताल में कर्मचारियों द्वारा पैसे मांगने के रूप में भी पेश किया जाता है। तो इस मामले में कलेक्टर मोहित बुंदस ने पिछले दिनों जिला अस्पताल का दौरा करते हुए इस पर चिंता भी जाहिर की थी और कहा था कि चुनाव के बाद भी रेडक्रॉस कर्मचारियों के मानदेय को लेकर पुनर्विचार करेंगे। ये मुद्दा मेरे सामने आया है, मैं देखता हूँ इसमें हम उनके थोड़े इंसेंटिव्स बढ़ाएंगे, बिकॉज उनको प्रॉपर 2000 रुपये बहुत कम है 8 घंटे की ड्यूटी के लिए। देखिए मैं इस पर पहले खुद स्टडी कर लूँ, फिर मैं कुछ कह पाऊँगा, बट ये ज़रूर है कि वार्ड बॉयज़ की व्यवस्था को सुधार किया जाएगा और उनके पे स्ट्रक्चर को भी देखा जाएगा। खबर दिन भर में आप देख रहे थे दिन भर की खबरें, जिले भर की खबरें लगातार हर घंटे देखने के लिए बने रहिए पेप्टिक टाइम पर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।